ये इधर से इधर घूम उधर घूम, वो उनकी आदत है। वो पार्टी महल्ले गांव शहर सब देख रहा कि 5 साल जिन्होंने किसी अवैसी बरादरान का फोटो नहीं लगाया, सिंबल नहीं लगाया, आज वो इस्लामाबाद मालेगांव से हैदराबाद तक घूम रहे। तो मैं वही बोला कि जो जलसों में बोला करते थे कि यार हम इसको सहारा दिए उसको सहारा दिया, आज उनको सहारे की ज़रूरत पड़ी है। तो ज़मीन कितनी खिसक चुकी है, इसलिए ये हालत है। जो 5 साल सिंबल नहीं लगाए, आज उनको क्यों ज़रूरत पड़ रही है? और पूरा शहर देख लिया, वो MIM के MLA 5 साल नाम के लिए थे। तो मालेगांव शहर ऐसा नहीं है कि बहुत सियासी तौर पे बेदार शहर है, हर चीज़ यहाँ लोगों को समझती कि अपने मतलब के लिए कौन क्या कर रहा है, ये मतलब की बात है। पार्टी के साथ ईमानदार वही हो सकता है जो पार्टी की लाइन, पार्टी का नज़रिया जिंदा रखे। हम जनता दल में थे, हम उस नज़रिए के साथ थे, हम समाजवादी में आए, हम उसी नज़रिए के साथ है। अगर हमको कोई बुलाता भी है तो हम नहीं जाते। जुमा के दिन 30 अगस्त को शेर महाराष्ट्र अबू आसिम आज़मी साहब मालेगांव आ रहे हैं। डायमंड लाउंज में 7 बजे एक जलसे का ऐलान किया जा रहा है। आने वाला असेंबली इलेक्शन, इस ताल्लुक़ से समाजवादी महाराष्ट्र की जो लिस्ट थी उस पर अखिलेश यादव साहब की कांग्रेस के KC वेणुगोपाल से कुछ बातचीत हुई है। तो उस ताल्लुक़ से अबू आसिम आज़मी साहब अखिलेश यादव से मिलकर मालेगांव आ रहे हैं और इंशाअल्लाह मालेगांव को खुशखबरी दी जाएंगी कि असेंबली इलेक्शन में समाजवादी का किस तरह से यहां उम्मीदवार इलेक्शन लड़े और हम किस तरह से समाजवादी की सीट मालेगांव शहर में हासिल करेंगे और असेंबली इलेक्शन में समाजवादी किस तरह से चुन कर आएंगी। इन सारे मामलात को लेकर अबू आसिम आज़मी साहब मालेगांव आ रहे हैं और हमारे यानी हम लोगों के समाजवादी में आने के बाद ये मालेगांव शहर में उनका पहला प्रोग्राम है। अबू आसिम आज़मी साहब ऐसा है कि आज माजी में जिस तरह से निहाल साहब महाराष्ट्र भर के मुसलमान और अक़लियत की नुमाइंदगी किया करते थे, आज अगर मैं ये कहूँ कि महाराष्ट्र असेंबली में वाहिद लीडर अबू आसिम आज़मी हैं जो कोल्हापुर का सवाल हो या दिगैर अक़लियत या जुल्म व नाइंसाफ़ी और ख़ास तौर से मालेगांव में बुनकरों के सवाल पर या मालेगांव शहर के दिगैर भले छोटे मसाइल हों, उनको असेंबली में मुसलसल 5 साल तक उन्होंने बोला। इसलिए मालेगांव शहर के बुनकर, मालेगांव शहर के मज़दूर, मालेगांव शहर की आम आवाम बड़ी तादाद में साया निशान उनका इस्तकबाल करे और आने वाले असेंबली इलेक्शन को हम किस तरह से लड़ेंगे, उसके ताल्लुक से किस तरह से तैयारी की जाएंगी, वो सारी बातें अबू आसिम आज़मी साहब आवाम के दरमियान रखेंगे। कितनी तारीख को, कहां पर, कितने बजे? 30 अगस्त जुमा के दिन डायमंड लाउंज आगरा रोड पर शाम में 7 बजे। टिकट का अनाउंस कर सकते हैं ऐसे कुछ चांस? मैं ये बोला कि उनकी जो बातचीत हुई है, अब वो आने के बाद जलसे में ही वो बताएंगे कि क्या बातचीत हुई है। उन्होंने ये कहा, बहुत अर्जेंट में उन्होंने प्रोग्राम बनाने का बोला, वो बुध के ही दिन आना चाहते थे, मगर मैं उनको बोला कि कम से कम हमको 10-15 दिन का टाइम दो। तो बोले कि नहीं, मुझे फौरन आना है, मेरी कुछ बातचीत हुई है और मुझे फैसला सुनाना है मालेगांव शहरियान को। तो फिर मैं उनको बोला कि कम से कम हमको 4-5 दिन का टाइम चाहिए। तो जुमा के दिन का वो प्रोग्राम की यानी जुमा के दिन का उन्होंने फिर बोला। कांग्रेस के जिम्मेदारान भी इंडिया अलायंस से टिकट को लेकर जद्दोजहद कर रहे हैं, बगावत हो सकती है क्या अगर पहले ही आकर मीटिंग से पहले ही अगर अबू आसिम टिकट का अनाउंस करते हैं? ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी का सवाल उनकी जगह है, उनकी कोशिश, उनका मांगना, वो बराबर है उनकी जगह। हमारी पार्टी का सवाल है समाजवादी का। हमने एक बात एकदम साफ बोली हुई है कि और हमको ऊपर के लीडरान ने ये भरोसा दिलाया है कि मालेगांव शहर में अलायंस होगा या नहीं होगा या उनकी क्या बातचीत हुई है ये हमको नहीं मालूम, लेकिन एक बात
ऊपर के हमारे लीडरान ने, वो अखिलेश यादव साहब हो, अबू आसिम आजमी साहब हो, एक बात तय है कि मालेगांव शहर में समाजवादी का उम्मीदवार हर हाल में इलेक्शन असम्बली का लड़ेगा, ये बिल्कुल तय बात है। बाकी सब बातें उसके बाद की है। अब अलायंस का जो सवाल है ये हमारा सवाल नहीं है, ऊपर के लीडरान का है। उनकी अगर वेणुगोपाल, केसी वेणुगोपाल से कुछ बातचीत अखिलेश यादव साहब की हुई है तो वो अबू आसिम आजमी साहब को बोले हैं, वो बोले कि मैं मालेगांव आकर शहरियान को बताऊंगा तो आज मैं उस मामले में कुछ बोल नहीं सकता, मैं एक वर्कर है और ये ऊपर के लोगों की बात है, अलायंस है, ये बड़े लीडरान का तालमेल का सवाल है, ये वो लोग करेंगे, उस पर मैं अभी कुछ बोल नहीं सकता। अलायंस में तो सभी पार्टियाँ हैं, कांग्रेस भी है और समाजवादी भी है, सब है, और ये सीट हमेशा से कांग्रेस की रही है। एक बार राष्ट्रवादी कांग्रेस को दी गई थी, एक बार ऐसा भी हो चुका है इस शहर में कि राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस जब यहाँ पे इत्तेफाक नहीं हुआ तो ऊपर गठबंधन तोड़ दिया गया था, तो इस बार भी क्या? देखो एक बात ऐसा है कि अलायंस का जो सवाल है आज कोई सिटिंग MLA कांग्रेस का नहीं है। दूसरी बात ये कि पार्लियामेंट के इलेक्शन में 2004 में जब हरिशंकर महाले जनता दल से इलेक्शन लड़े तो उस वक्त भी अलायंस हुआ था, सीट कांग्रेस की थी, मगर जनता दल को 2004 में जनता दल को सीट दी गई पार्लियामेंट की। तो वक्त और हालात के हिसाब से बदलाव होता है, सियासी हालात बदलते, पार्टियों का तरीक़ाकार बदलता। आज जो है सारे सियासी हालात मालेगांव शहर के बदले हुए हैं। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि हमेशा से पार्लियामेंट की सीट कांग्रेस की रहा करती थी, मगर 2004 में वो जनता दल को मिली थी, हरिशंकर महाले लड़े थे। तो वक्त और हालात के हिसाब से ऊपर के लीडरान फैसला करते हैं कुछ ना कुछ। कोई ऐसा मामला नहीं हो सकता कि कोई चीज़ ऐसी हो जिसमें कभी बदलाव नहीं हो सकता, हर चीज़ में बदलाव मुमकिन है, बदलाव हो सकता। और हम एक बात जो बोल रहे हैं कि अलायंस होगा नहीं होगा, एक बात तय है कि मालेगांव शहर में समाजवादी असम्बली इलेक्शन पूरी ताकत से लड़ेंगे और समाजवादी का सिम्बॉल यहाँ पर हर हाल में इलेक्शन में रहेगा, ये तय है। बाकी लोग इधर उधर घूम रहे, कोई अहमदनगर जा रहा, कभी हैदराबाद जा रहे, जो बोला करते थे कि कभी हमको, हम दूसरों को सहारा दिया करते, आज दर दर दरवाजा दरवाजा सहारे के लिए ढूंढ रहे, ये सब सवालात उनसे हैं। हमारा एकदम तय प्रोग्राम है, मुझे दूसरी पार्टी के लोगों ने भी बुलाया, अभी ये हफ्ते में भी मुझे फ़ोन आए, मगर हम एक पार्टी के साथ आ गए हैं। हमको ये भी बोला गया कि आकर मिल लो सिर्फ, मगर इस तरह की बिला वजह की काम जिसका कोई मतलब नहीं है, हम एक पार्टी में आ गए, हमारे लीडर पर हमको भरोसा है, हमारे लीडर का हम पर भरोसा है, तो हम कहीं दरवाजा और इसके पास जा उसके पास जा इस तरह की सियासत ना निहाल साहब के वक्त हमने की है ना आज करेंगे। समाजवादी मालेगांव का कैंडिडेट MLA का फाइनल है, उसमें कोई फेरबदल नहीं रहेगा? नहीं, समाजवादी का मालेगांव कैंडिडेट शान हिंद निहाल अहमद, ये तय है, इसमें कोई फेरबदल नहीं है। अभी MIM जो है उनकी भी एक मीटिंग हैदराबाद में हो गई और उन्होंने भी एक मजबूती के साथ उम्मीदवार यहाँ पे लेने का, और आज कहीं पे खबरें भी ऐसी है तो MIM की उम्मीदवारी फाइनल हो चुकी है। वो तो MIM के MLA है ना, उसमें कोई ऐसी नवी बात नहीं है, यही होने वाला था, ये सबको समझ रहा था, ये इधर से इधर घूम उधर घूम, वो उनकी आदत है। वो पार्टी मालेगांव शहर सब देख रहा कि 5 साल जिन्होंने किसी अवैसी बरादरान का फोटो नहीं लगाया, सिंबल नहीं लगाया, आज वो इस्लामाबाद मालेगांव से हैदराबाद तक घूम रहे। तो मैं वही बोला कि जो जलसों में बोला करते थे कि यार हम इसको सहारा दिए उसको सहारा दिए, आज उनको सहारे की ज़रूरत पड़ी है, तो ज़मीन कितनी खिसक चुकी है, इसलिए ये हालत है। जो 5 साल सिंबल नहीं लगाए, आज उनको क्यों ज़रूरत पड़ रही है? और पूरा शहर देख लिया, वो MIM के MLA 5 साल नाम के लिए थे। तो मालेगांव शहर ऐसा नहीं है कि बहुत सियासी तौर पर बेदार शहर है, हर चीज़ यहाँ लोगों को समझती कि अपने मतलब के लिए कौन क्या कर रहा है, ये मतलब की बात है। पार्टी के साथ ईमानदार वही हो सकता है जो पार्टी की लाइन, पार्टी का नज़रिया जिंदा रखे। हम जनता दल में थे, हम उस नज़रिए के साथ थे, हम समाजवादी में आए, हम उसी नज़रिए के साथ है। अगर हमको कोई बुलाता भी है तो हम नहीं जाते, हम ऐसा नहीं हुआ। मैं जो बोला कि यार 5 साल जो
अपने लीडर का फोटो नहीं लगाया, अपनी पार्टी का सिंबल नहीं लगाया जिस आदमी ने, वो आदमी के ताल्लुक से आज MIM से लड़ रहे नहीं लड़ रहे कोई बात नहीं है, पूरा शहर देख रहा है क्या 5 साल किए और क्या करेंगे।